हाँ तो भाई कैसे हो आप सब। वेलकम है आप सबका एक न्यू गेम प्ले वीडियो में। तो अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे तो आप सबको पता होगा अपना फ्रैंकलिन किसी काम से इंडिया आया था, बट नकली पुलिस वाले ने उन्हें पकड़कर पाकिस्तान भेज दिया और फिर फ्रैंकलिन के फ्रेंड माइकल ने उसे पाकिस्तान जाकर किसी तरह से बचाया। और आप सब देख ही सकते हो अब हम वापस से आ चुके हैं अपने घर इंडिया में और माइकल अपना जा चुका है वापस से लॉस सैंटोस। सो वो किया किसने अभी तक कुछ भी पता नहीं चला, हमने पुलिस में कंप्लेंट कर दिया, बट हाँ जिस काम को करने अपना फ्रैंकलिन इंडिया आया था अब फाइनली वो सारी चीज वो करने वाला है। आप सबको पता ही होगा फ्रैंकलिन की कई सारे बिजनेस है इंडिया में, तो एक और बिजनेस आज फाइनली उसके नाम होने जा रहा है। अब वो होगा या फिर नहीं कुछ भी कंफर्म नहीं है क्योंकि हम उस ओनर के पास जा रहे हैं जो कि अपना बिजनेस बेचना चाहता है अपने फ्रैंकलिन को। सो अगर अच्छे खासे अमाउंट में वो बिजनेस हमें मिल गई तो हम डील डन कर देंगे। इसलिए सबसे पहले तो हमें उस बिजनेस के ओनर के पास जाना पड़ेगा एंड उससे सारी चीजें पूछनी पड़ेगी। और हमें ये भी नहीं पता कि भाई उसका बिजनेस है किस लोकेशन पर। और यहाँ पर खड़ी है अपनी स्कॉर्पियो एन जो कि आप सब जानती हो हमने 10K स्पेशल पर खरीदा था और नेक्स्ट कार आने वाली है भाई 20K पर। तो जल्दी जल्दी से इस चैनल को 20K पर पहुंचा दो, उसके बाद वो कार आपको देखने को मिलेगी जो कि आप डिमांड करोगे। बट अभी तो भाई फटाफट से हम निकलते हैं उस बिजनेस के ओनर के पास। सो फटाफट से बैठ जा फ्रैंकलिन गाड़ी में एंड निकलते अपने ओनर के लोकेशन के तरफ, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हमें ये बिजनेस बाय करनी है या फिर नहीं। और अपना ओनर का लोकेशन ज़्यादा दूर तो नहीं है इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। बट हाँ उसने अपना बिजनेस कहाँ पर सेटअप करके रखा है वो अभी हमें कुछ भी नहीं पता। वहाँ हम पहुँचेंगे ओनर के पास तभी वो हमें लोकेशन बताएगा। एंड पहले तो ये देखना है भाई कि हमें बिजनेस लेना भी है या फिर नहीं, क्योंकि पहली बार अगर कुछ ऐसा कुछ वो बोल देता है जो कि हमें पसंद नहीं आता है देन हम पहले ही अपने प्लान्स को कर देंगे कैंसिल। इसलिए चलो गाइस फटाफट से मैं भगाता हूँ एंड पहुँचता हूँ अपने ऑनर के लोकेशन पर, बिकॉज यहाँ से हमें थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला है उस जगह पर पहुँचने में। ऑलराइट गाइस तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं उस लोकेशन पर जो कि उस बंदे ने हमें भेजा था। तो यहीं पर अपना भाई लोकेशन तो बता रहा है, तो यहाँ पर भाई लग रही है कोई जगह, लेट्स सी। हाँ यही तो है भाई अपना लोकेशन, लेकिन भाई ये लोग है कहाँ, आई थिंक अंदर होंगे। यस अंदर ही है। चलो फटाफट से अपनी स्कॉर्पियो एन को अंदर लगा लेते हैं। ओके तो यही आदमी लग रहे हैं मुझे। ओके तो यहाँ पर आगे खड़ी कर देते हैं अपनी स्कॉर्पियो एन को एंड आराम से पार्क कर उतर जाते हैं। एंड पीछे वही बंदे लग रहे थे जिनकी बिजनेस है, इसे सबसे पहले तो उनके पास ही चलते हैं, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि आगे हमें क्या कुछ करना है। तो वहाँ पर दो बंदे खड़े, एक खड़ा एक बैठा हुआ, एक भाई शायद से मोबाइल चला रहा है एक एंड ऐसे एक टाइम पास कर रहा। तो चलो इनसे बात करते उसके बाद मैं आप सबसे मिलता हूँ। ऑल राइट गाइज तो इन्होंने अपने बिजनेस के बारे में सारा कुछ बता दिया है। इनके दो टाइप का बिजनेस है, पहला तो इनके फार्म का बिजनेस है एंड सेकेंड है इनके ट्रैक्टर का बिजनेस जो कि एक दूसरे से रिलेटेड ही है। और भाई इनकी एनुअल प्रॉफिट काफी अच्छी खासी है इसलिए हमसे ये अच्छी खासी अमाउंट की डिमांड कर रहे हैं जो कि अभी फ्रैंकलिन के लिए अरेंज कर पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर हमें बिजनेस पसंद आ जाता है देन फ्रैंकलिन किसी ना किसी तरह से अरेंज कर लेगा। तो इनकी बातों से तो बिजनेस काफी अच्छा खासा लग रहा है, लेकिन हम चलकर वहां देखने वाले कि आखिर भाई वो बिजनेस है किस तरह का। सो गाइस ये दोनों भी वहां पर चलने वाले एंड हाथों हाथी डील हो जाएगी। तो चलो गाइस फटाफट से चलते हैं उस लोकेशन पर इन दोनों के साथ एंड फिर डिसाइड करते हैं करना क्या कुछ है, बिकॉज जब इतना मोटा अमाउंट हम किसी बिजनेस में लगाने वाले तो भाई हमें सोच समझ कर ही लगाना पड़ेगा। तो सारे को बैठ जाने देते हैं एंड फिर निकलते हैं फटाफट से। तो चलो फ्रैंकलिन घुमा ले अपनी स्कॉर्पियो एन को। ओके ओके आराम से आराम से। अरे 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 भाई क्या ही टूटा, अच्छा कोई नहीं लकड़ी है छोटी मोटी। और यहाँ से तो भाई अपना तो नहीं लेकिन ना थोड़ी देर में अपना हो सकता है, वो ज़्यादा दूर है नहीं। इसलिए फटाफट से मैं भगाता हूँ अपनी स्कॉर्पियो एन को एंड पहुँचता हूँ उसी लोकेशन पर। ओके तो भाई ऑलमोस्ट पहुंच चुके अपने उस लोकेशन पर जहां पर वो अपना बिजनेस सेटअप है। तो यहीं से हमें लेफ्ट टर्न लेना है आराम से आराम से आराम से। ओके एंड जैसा कि ये फार्म वाली एरिया है तो यहां पर हमें कुछ जानवर भी देख रहे हैं तो संभल के जाना पड़ेगा, उन्हें हमें मारना वगैरह नहीं है। तो आराम आराम से चला ले भाई फ्रैंकलिन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और भाई अपना बिजनेस आ गई है कहीं पर, ये देखो भाई सामने हमारे खरगोश है, हम रोक देते हैं उन्हें टपने देते हैं। तो वो जा चुका है, चलो अब भगाते हैं अपने स्कॉर्पियो एन को। और देख सकते हो भाई स्कॉर्पियो एन ये सारी जगह पर बिल्कुल स्मूथ चलती है, और कोई भाई रहती कार तो दिक्कत हो जाता नहीं। फॉर्चुनर भी अपना आराम से चलता, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हाँ स्कॉर्पियो एन को भी भाई कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और यही है भाई अपना बिजनेस की एरिया एंड ये रहा भाई अपने सामने खड़ा अपना इंडियन ट्रैक्टर। सब देख सकते हो भाई क्या ही ज़बरदस्त लग रहा है देखने में। और आगे चलकर भाई अपनी स्कॉर्पियो एन को खड़ी कर उतर जाते एंड फिर देखते भाई अच्छी तरह से अपने इस बिजनेस को। सो यही है भाई अपने पूरे फार्म का एरिया एंड अपने इंडियन ट्रैक्टर। सो देख सकते हो भाई क्या ही नज़ारा लग रहा है देखने में, ये थोड़ी देर में हमारा हो सकता है। बट सबसे पहले तो भाई इन लोगों से परमिशन ले लेता हूँ ट्रैक्टर को अच्छी तरह से देखने की, बिकॉज इन्हें हम चला कर भी देखने वाले हैं। ओके तो गाइस परमिशन मिल चुकी है हमें एंड फटाफट से चलते हैं किसी ट्रैक्टर के पास। और इन्होंने बताया कि भाई अंदर एक स्पेशल ट्रैक्टर भी है। तो ये सब तो आप देख ही रहे हो भाई क्या ही ज़बरदस्त लग रही है देखने में। एंड अंदर भाई स्पेशल क्या कुछ एक बार चलकर हम देख लेते हैं, उसके बाद भाई आते हैं बाहर। मतलब ये लोग यूज़ करते हैं जो भी ऑनर रहते हैं ना इस बिजनेस के मैन, वही इस ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। तो भाई थोड़ी अलग तो लग रही है देखने में,
भाई इसमें क्या ही अलग है भाई। सबसे पहले तो ये फुल ब्लैक है, क्या ही ज़बरदस्त लग रही है। और पीछे भाई अपना साउंड बॉक्स भी लगा हुआ है, और सोच ही सकते हो भाई अपना फ्रैंकलिन ये ट्रैक्टर लेकर घूमेगा इंडिया में तो क्या ही ज़बरदस्त लगेगा देखने में, क्योंकि ये थोड़ी स्पेशल टाइप की लग रही है। और थोड़ी आगे पीछे करते हैं भाई, क्या ही सीन है। तो क्या हम इसी ट्रैक्टर को लेकर चले क्या बाहर, क्योंकि हम टेस्ट भी कर लेंगे। नहीं नहीं भाई, इस ट्रैक्टर को लेकर हम नहीं चलते, क्योंकि क्या पता भाई उन्होंने कुछ मॉडिफाई वगैरह कराया हो, देखकर तो लग रहा है। तो हम उन्हीं ट्रैक्टर को लेकर चलते हैं जो हमें अपने इंडिया में घुमाना है, यानी कि जो इंडिया में हमारा चलने वाला है वो यही सब ट्रैक्टर है ब्लू वाले। तो चलो इन्हीं में से किसी एक को निकालते एंड लेते हैं भाई टेस्ट ड्राइव। और हाँ भाई, अपना ट्रैक्टर प्लेन रोड पर तो चलने वाला है, वहाँ पर तो अच्छी तरह से चल जाएगा हमें पता ही है, लेकिन हम अपने फार्म में चलाकर टेस्ट मारने वाले भाई किस तरह से ये वर्क करता है, सही से काम कर भी रहा है या फिर नहीं, इसलिए थोड़ी आगे जाते हैं, उसके बाद हम अपने फार्म में लेकर चलेंगे। और हाँ, आप सबको बता दूँ ये ट्रैक्टर का बिजनेस तो हमारा होने वाला है, साथ ही साथ जितने आप आसपास पूरे एरिया देख रहे हो वो भी फ्रैंकलिन का होने वाला है। तो सोच ही सकते हो भाई ये कितना बड़ा बिजनेस है, ये सारा बिजनेस होने वाला है फ्रैंकलिन का। और हाँ, आप सबको बता दूँ ये जो आप ट्रैक्टर देख रहे हो ये इतने नहीं है, बल्कि कई सारे अभी अपने इंडिया में रन भी कर रहे हैं, तो वो सारे भी फ्रैंकलिन के हैं ही। तो बहुत बात हो गई भाई, कहीं हम लेकर चलते हैं अपने फार्म में तो कहाँ पर लेकर जाए। सबसे पहले तो भाई खरगोश है, टपने देते हैं, आगे जाते हैं भाई, आगे कहीं अपनी फार्म के अंदर लेकर चलेंगे आराम से। तो ये जगह है भाई, जगह कहाँ है अंदर जाने का, इधर भी बंद है, इधर भी बंद है। आगे चलते भाई, आगे से कहीं टर्न मारते हैं अंदर की तरफ। ओके, तो यहाँ पर रास्ता दिख रहा है, तो आराम आराम से फ्रैंकलिन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देख सकते हो भाई अपना ट्रैक्टर तो भाई फार्म में बिल्कुल सही चल रहा है। थोड़ी ऊपर वाले एरिया में लेकर जाए क्या, चलो ऊपर वाले एरिया में लेकर जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सही चल रही है। और अपने ट्रैक्टर का यूज़ तो भाई इन्हीं सब एरिया में आने वाला है, नॉर्मल रोड में जाकर भाई क्या ही चेक करेंगे। यहाँ पर अगर सही चल जाती है तो वहाँ पर भाई भाई डेफिनेटली से सही चलने वाली है। और सबसे बड़ी बात तो ये भाई मज़ा आ रहा है अपने फ्रैंकलिन को ट्रैक्टर चलाने में। तो जल्दी जल्दी से यहाँ चला कर देखते हैं भाई, ये थोड़ी गड़बड़ जगह है। तो यहाँ पर भी आया अपना ट्रैक्टर, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है जैसा कि आप सब देख ही सकते हो। और भाई सच में मज़ा आ रहा है ट्रैक्टर चलाने में। हमने बहुत स्कॉर्पियो वैन चला ली, फॉर्चुनर चला ली, लेकिन जो मज़ा भाई ट्रैक्टर चलाने में वो किसी और चीज़ में नहीं है, जैसा कि आप सब देख ही सकते हो। और अगर आप सब बोलोगे तो भाई इससे भी खतरनाक वाली ऑफ रोडिंग मैं करूँगा ट्रैक्टर को लेकर, अगर आप सब चाहते हो तो कॉमेंट कर बता सकते हो। लेकिन हाँ, हमने बहुत टेस्ट कर दिया, ये ट्रैक्टर भाई अपने फार्म वाले एरिया में काफ़ी स्मूथ चल रहा है, तो ट्रैक्टर में भाई कोई भी कमी नहीं है। तो चलो हम आप जाकर अपना डिसीजन बताते हैं कि क्या हम इस ट्रैक्टर को, या फिर आप कह सकते हो उस पूरे ट्रैक्टर के बिजनेस एंड पूरे फार्म के बिजनेस को बाय करना चाहते हैं या फिर नहीं। तो अपने ऑनर वहाँ पर भाई काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं और हम यहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं। सो ये बिजनेस काफ़ी बड़े स्केल में चल रहा है, तो हमें प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा खासा होने वाला है। तो अपने ट्रैक्टर को अपने लोकेशन पर लगा देते हैं जहाँ पर वो लगी हुई थी, एंड उसके बाद चलकर भाई अपने डिसीजन सुनाते हैं हम अपने ऑनर को। ओके ओके, तो यहीं पर लगी हुई थी, आराम से लगा के उतर जाए अपना फ्रैंकलिन और चलते हैं भाई अपने ऑनर के पास, या फिर आप कह सकते हो फॉर्मर ऑनर के पास, बिकॉज आपको तो पहले बता ही सकता हूँ, क्योंकि फ्रैंकलिन ने गाइस डिसाइड कर लिया है इस बिजनेस को बाय करने का। मैं जानता हूँ ये काफ़ी बड़ा रिस्क भी हो सकता है, लेकिन गाइस इसमें प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा है और ये बिजनेस फ्रैंकलिन को पर्सनली पसंद काफ़ी ज़्यादा है। तो चलो जाकर अपना डिसीजन ऑनर को हम सुना ही देते हैं। ऑल राइट गाइस, तो ये डील हो चुका है डन एंड ये बिजनेस हो चुका है पूरी तरह से फ्रैंकलिन का। आधे पैसे हमने इन्हें ट्रांसफर कर दिए और आधे हम कैश देने वाले हैं। सो गाइस, अभी फ्रैंकलिन का एक और बिजनेस हो चुका है इंडिया में, एंड अभी फ्रैंकलिन आगे भी काफ़ी कुछ करने वाला है, इसलिए आप सब चैनल से जुड़े रहो। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर उसके बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, और अगर ये वीडियो पसंद आई होगी देन वीडियो को भी लाइक कर दो। तो गाइस मिलता हूं आप सबसे अगली वीडियो में किसी और गेम प्ले के साथ।